रहे हैं चैनल आई टीवी लाइव है न्यूज़। मेरे मित्र, मैं हूं आपके साथ नवेद खान। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। देखिए दिन भर की खास खबरें हमारे आज के न्यूज बुलेटिन। मेरठ के थानाली साड़ी गेट से खबर, जहां कुर्बानी के लिए लाए गए 22 ऊंट लाए गए थे 2019 में, और अब 4 साल बाद ऊंटों का मालिक हाई कोर्ट पहुंच गया। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वर्ष 2019 में लिसाड़ी गेट पुलिस ने कुर्बानी के लिए आए 22 ऊंटों को जब्त कर लिया था। 22 ऊंटों को वापस लेने के लिए कई बार ऊंट का मालिक पुलिस सहित प्रशासन से गुहार लगाई है। ऊंट नहीं मिलने पर ऊंट का मालिक हाई कोर्ट पहुंच गया है, और इस पर हाई कोर्ट ने पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शमसुज़मान का कहना है कि जब पुलिस ने ऊंट पकड़े थे तो मालिक को वापस भी करना होगा। उधर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ कोतवाली ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है, लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर से रिपोर्ट तलब की है। घटना यह हुई थी कि हम ऊंट लेकर आए और बेचने के लिए, और पुलिस आई और सबको मारा और छीन कर ले गई, और ले जाने के बाद हम अधिकारियों में गए, उनसे बात अपने ऊँट मांगे तो उन्होंने हमें मतलब इस तरह का भगा दिया। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने कुछ दिलचस्पी दिखाई, उन्होंने कुछ ऑर्डर वगैरह भी करे, फिर उन्होंने भी चलता कर दिया। अब उसके बाद हम थाने वगैरह गए, 2-4 जगह गए, तो मतलब चलता मजबूरी में मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा। तो मेरा माल था, मजबूरी थी मेरी, मैं परेशान था, मैंने लोगों से पैसे लेकर माल लिया था, क्या करता मैं, हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, उस ऑर्डर की कुछ मतलब कोई बात नहीं मानी, फिर दोबारा हाईकोर्ट गया, तो अब 18 लगी है। हाई कोर्ट जाने पर ही कुछ अब तक मुझे कुछ थोड़ा बहुत रिलीव मिला, बाकी अब भी कुछ ऐसे वो नहीं है। हाई कोर्ट के बाद भी कुछ मतलब मेरा माल नहीं मिलना, मुझे पैसे मिल रहे ना मेरा माल मिल रहा। क्या चाहते हो? मैं चाहता मैं यह हूँ कि मुझे मेरा माल लिया पैसे मिलने चाहिए हर कीमत पर। जो गुनहगार हैं वो तो कोर्ट करेगी, क्या करना है कोर्ट के हाथ में है, तो कोर्ट फैसला कर दिया। मैं चाहता हूँ कि बस मुझे तो मेरा माल मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, गुनहगार को कोर्ट देखे। गाजियाबाद के रहने वाली एक महिला ने एसएसपी को दिए शिकायत पत्र में युवा सेवा समिति के अध्यक्ष बदर अली पर ठगी व गैंग चलाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बदर अली ठगी के इरादे से भोली भाली युवतियों की शादी कराकर उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि बदर अली ने कुछ समय पूर्व अपनी संस्था के एक सदस्य से उसकी शादी करा दी थी। बदर अली ने अपने साथी के साथ मिलकर उसके साथ ठगी कर ली है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी बदर अली की शह पर उसका पति उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है। महिला ने एसएसपी ऑफिस को शिकायती पत्र सौंपकर गैंग के खुलासे की मांग करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद की रहने वाली महिला सिमरन ने बताया कि युवा सेवा समिति के अध्यक्ष बदर अली ने उसकी शादी अपनी संस्था के सदस्य सलीम से करा दी थी। महिला सिमरन का आरोप है कि सलीम बदर अली के साथ मिलकर उसके साथ काफी समय से ठगी कर रहा था। आरोप है कि बदर अली और सलीम महिला और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। हालांकि वो ऑडियो हमारे पास है, लेकिन मैं उस काबिल नहीं है कि आपको सुनवा सके। बृहस्पतिवार को महिला सिमरन अपनी मां के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची और सलीम और युवा सेवा समिति के अध्यक्ष बदर अली पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी को शिकायती पत्र सौंप कर न्याय मांगा है। मामला संज्ञान में आने के बाद एसएसपी ने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है। सिमरन, आज जो एसएसपी आए, किस लिए आए हो, क्या पूरा प्रकरण है? मेरी शादी बदर अली ने, जो सेवा समिति चला रहे हैं, उन्होंने बदर अली ने सलीम से करवाई अपनी जिम्मेदारी पे। तो शादी करवाने के बाद ये जो है ना लूटने के लिए शादी करवाई थी सब। लड़का शादी के बाद मेरे घर पे आ गया, सब कुछ लूट लाट के बदर अली के बल पे चला गया। अब ये स्थिति आ गई है कि बदर अली और ये सलीम रियाजुद्दीन और हाजी जाकिर हमें मारने पे तुले हुए हैं। हम इनके घर शिकायत करने गए थे कि तुमने अपनी जिम्मेदारी पे इस लड़के से शादी करवाई है, तो कुछ करो। इन्होंने हमें अलग रूम में ले जाके हमें मतलब डराया धमकाया, ये कहा कि इस लड़के को पैसे दो, कुछ भी करो पैसे दो, बस अब अपनी जान बचा रहे हैं बस। अच्छा, फैजान में क्यों रहते हैं ये लोग, क्या है इनका पूरा? फैजान में ही युवा सेवा समिति संस्था चलाते हैं, संस्था की आड़ में ये बस लड़कियों की शादी करवाते हैं, उनकी जिंदगी खराब करवाते हैं। वो उसका शिकार मैं भी बन गई हूँ। सलीम साहब की कैसे मुलाकात हुई? सलीम से मेरी अम्मी की मुलाकात हुई थी, उसने अम्मी के थ्रू हाजी जाकिर से मिलवाया था। हाजी जाकिर मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ये संस्था को जानता है, वहाँ चल के शादी विवाह को मतलब शादी विवाह करवाते हैं। मेरी अम्मी को बहन बनाया था,
रुपए ठगी कितनी हुई आपके साथ में? ठगी कई लाख की कर ली इन्होंने, ठगी कभी बिजनेस के लिए दो लाख रुपए लिखे हुए हैं। तो क्या फायदा मिनटर कॉलेज के अंदर कोई आपके साथ में गलत काम किया गया? जी 16 नवंबर पे हम गए थे, इन्होंने बैठक से उठा के हमें रूम में ले गए थे बात करने के लिए। इन्होंने मैं साथ में बहुत बदतमीजी की और ये भी कहा कि इस लड़के को कहीं से भी कुछ भी करके इस लड़के को पैसे दो, ये हमारा छोटा भाई है, हमारा शेयर है, हमने इसको छोड़ रखा है। सलीम सलीम को भी बुला लिया था, रियाजुद्दीन और हाजी जाकिर सबको बुला लिया था। 16 नवंबर 2023 में इन्होंने हमारे साथ में बहुत बदतमीजी की और सलीम हमें मारने पे चला गया। तो आपने शिकायत थाने में भी करी थी? जी मैंने शिकायत थाने में भी की है। तो थाने को कार्रवाई हुई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक, मैं परेशान हूँ और ये लोग मुझे मारने पड़े, मेरी माँ को, भाई को, मुझे अपनी जान का खतरा है। बस मैं न्याय चाहती हूँ, इन लोगों ने मेरे साथ में कर दिया और लड़के के साथ में भी करेंगे। कमरे में बैठक में अंदर कमरे में बिठाया जिसमें बैठक टाइप है इसका कमरा, वहाँ पर है कमरा फैजियाम जो जिसमें ये संस्था चलाता है, युवा सेवा समिति कहता है, उसमें बिठाने के बाद इसने बहुत ही बदतमीजी दोनों माँ बेटियों से की। बोले पैसे दोगी नहीं क्या, मुझे क्या दे दिया है, मैंने शादी कराई मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है। और वो दमाद है, घर दो मकान दो, मैंने कहाँ से दें, हम उसे कितने भी दे दो वो सब खा जाएगा, हमारी इज्जत नहीं करता, मारता है हमें, कह रहा तो पिटो। और सलीम रियाजुद्दीन सलीम उसका बाप है, और कहीं भी हम जा रहे हैं पुलिस में हमारी मदद यूँ नहीं हो रही है, वो माँ की टांग सड़ी भी दिखाते, कर्जदारों से बचता है जो सलीम का बाप है रियाजुद्दीन, कर्जदारों से बचता है, माँ की सड़ी भी टांग दिखाते हैं। लड़कियों की इज्जत लूटने की इसने बहुत लड़कियों की सलीम ने इज्जत लूटी है और बदर अली के बल पे लूटी है। बदर अली कहता है कि तुम लूटो, पैसा लाओ, फंसाओ लोगों को, लड़कियों को फंसाओ। अब ये स्थिति आ गई, हम इससे डिवोर्स भी ले रहे हैं, चाहता डिवोर्स ले लें, उसके बाद भी हमें मारने कहता है। वहाँ पे क्वार्टर मिला हुआ है क्या उन्हें? वो उसमें बैठे हैं, फैजामी दिखाया था इन्होंने कि हम तो हैं गरीब लोगों की सहायता करते हैं, शादियां कराते हैं, वहाँ पर रूम है, इन्होंने हमें फोन में दिखाई वीडियो कि हमने इतनी शादियां करा रखी हैं फैजामी, और अभी कहते हैं हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है।